जैसे कि आप देख ही सकते हैं भाई को एक्सरसाइज बताए और इफेक्टिव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। पंप हुआ देख सकते हैं शोल्डर, सिर्फ दो ईट के वेरिएशन इतना कुछ हुआ है भाई। आप भी करो घर पे वर्कआउट, नहीं होगा तो बताना। लो भाई तो शार्ट करते हैं वीडियो भाई। अपना पहला एक्सरसाइज होगा भाई, सिंपल करेंगे सिंपल पुशअप, सिंपल चलो सिंपल 10 रेट सिंपल पुशअप, स्पाइक पुशअप नहीं सिंपल पुशअप, सिंपल पुशअप शोल्डर के सामने सामने हाथ रखे लगाना है 10 रेपिटेशन, उसके बाद बाकी का शोल्डर पे ध्यान देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 6 सिंपल पुशअप से पहले पुशअप कर लेना है आपको सिंपल पुशअप, अपर बॉडी भी आपका थोड़ा बहुत इंगेज हो जाएगा, उसके बाद आप पूरा का पूरा शोल्डर पे टारगेट करोगे। 4, 3, 2, 1 रिलैक्स रिलैक्स, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। ये आपका पहला आपका सिंपल सेट होगा, वार्म सेट होगा। इसका 2 से 3 सेट साथ में लगाओ या फिर 10 से 15 रेपिटेशन 20 रेपिटेशन लगा के आप थोड़ा सा वार्म अप कर लो। एक्सरसाइज नंबर सेकंड होगा आपका सिंपल पुश, आपका शोल्डर ट्रेन करना है, शोल्डर तगड़ा करना है, पाइक पुशअप्स, ईंट लेना है, ईंट पे ग्रिप हो जाएगा, थोड़ा सा वाइड रखना है शोल्डर से, वाइड रखना है, थोड़ा नीचे जाना है शोल्डर पे, पंप हो शोल्डर पे, फर्क पता चले आपको फिर ऊपर, ठीक है। लगाओ 15 रेपिटेशन पाइक पुशअप्स, उसके बाद आपको वेरिएशन धीरे 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 करके चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके आपको पंप भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कमर थोड़ा ऊपर, कमर थोड़ा ऊपर, चलो बहुत अच्छा, चलो 15, 14 शोल्डर पंप हो रहा है भाई, चलो 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 साथ में करते रहो आप लोग भाई। शोल्डर तगड़ा करना है तो पाइक पुशअप से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, 6 पाइक पुशअप्स आपका सिंपल फोकस रहेगा आपके शोल्डर पे, ठीक है। चलो 3, 2, 1 रिलैक्स, ऊपर 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 आओ, एक दोनों को साथ में रखो, दोनों को कंबाइन साथ में इस तरह से चलो अब सामने 10, 9, 8, 7 थोड़ा पीछे, चलो 6, 5, 4, 3, 2, 1 10 बार और 10 चलो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5 बार 5, 4, 3, 2, 1 छोड़ दो नीचे रखो। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, सामने आओ ऊपर ऊपर ले आके इस तरह से सिंपल शोल्डर प्रेस इट से, चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 चलो 5 बार 5, 4, 3, 2, 1 नीचे रखो। अब इसके तुरंत साथ कंबाइन करेंगे ये वाला, सामने वाला थोड़ा बहुत कॉलर एंगेज, शोल्डर का सेपरेशन होगा, ऊपर आएंगे फिर ऊपर आके ये देख लो, यहाँ पे यहाँ से ये फिर ऊपर आके ये फिर यहाँ से ये चलो साथ में थोड़ा कंबाइन करेंगे शोल्डर प्रेस के साथ साथ, चलो ऊपर अप 1 बहुत अच्छे, चलो 2 चलो देखो किस तरह का शोल्डर पंप रिजल्ट किस तरह मिलता है अभी दिखेगा, 4 चलो बहुत अच्छे, चलो 5 बहुत अच्छे, चलो 6 अप आराम से फॉर्म से ही होना चाहिए शोल्डर का, चलो 7 बहुत अच्छे, चलो 8 चलो 9 अप 10 सिर्फ ईट है, कोई बॉडी वेट कोई ज़्यादा आपका डंबल का वेट नहीं है, सिर्फ ईट से भी आप अपना वेरिएशन डाल के थकान हो सकता है, मसल पे फर्क डाल सकते हो। 3 चलो 2 चलो एक और अप बहुत अच्छे, छोड़ दो रिलैक्स नीचे रखो आ जाओ पाइक पुशअप 10 रेपिटेशन पाइक पुशअप में तुम थोड़ा सा गलती कर रहे हो, कमर को ऊपर रखोगे और थोड़ा सा तुम्हारा चेस्ट का जो है यहाँ चेस्ट का जो लाइन है बीच में रखोगे यहाँ पे, चलो नहीं सर को पीछे रखोगे इस तरह से, नहीं सर को पीछे रखो थोड़ा सा, हाँ चलो अभी चलो हाँ ये बात, चलो 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 2 चलो एक बार और
एक एक और एक एक और एक और एक और एक और एक रिलैक्स 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 दो चार सेकंड रेस्ट करो, दो चार सेकंड पंप हो रहा है, फील हो रहा है, चलो ईंट उठाओ, चलो साइड रेज लगाओ, साइड रेज 10 9 रुक जाओ, एल्बो को थोड़ा सा बेंड रखोगे, थोड़ा सा इस तरह से बेंड रखोगे, चलो चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर ऊपर 5 4 3 2 1 पांच बार, चलो 5 4 3 2 1 रोको 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 5 4 3 2 5 3 2 2 1 एक एक रिलैक्स 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 रिलैक्स। अभी क्या करना है, फ्रंट लगाना है, फ्रंट लगाना है, फ्रंट लगाना है, साथ में 10 रिपीटेशन, चलो 5 रिपीटेशन साथ में, दोनों साथ में, दोनों सेपरेट करो, नहीं नहीं सटाना नहीं है, वायु मतलब थोड़ा सा गैप बना के रखना है, चलो हाँ अभी चलो 5 4 3 2 1 यहीं रखो इसको, इसको यहीं रखो, सीधा रखो, सीधा रखो इसको, चलो ये जाओ 5 बार 5 4 3 2 1 यहीं रखो इसको, चलो छोड़ो, सीधा रखो, सीधा रखो, सीधा रखो ऊपर 5 4 3 2 1 साथ में, साथ में दोनों साथ में, दोनों साथ में 5 बार दोनों साथ में 5 4 3 कौन कहता है भाई ईंट से रिजल्ट नहीं मिलता, आपके सामने भी पंप दिखेगा तो आपको ट्रस्ट होगा, तो आपको विश्वास होगा भाई 5 4 3 2 1 रिलैक्स 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 रिलैक्स। सिंपल क्या करना है अभी, पुशअप शोल्डर टैप, पुशअप नहीं उसको लास्ट में रखेंगे, उसको लास्ट में रखेंगे, लास्ट में रखेंगे उसको। पंप हो रहा है, साइड वाला पंप हुआ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी 10 रिपीटेशन फिर से लगाओ, क्या हमारा शोल्डर प्रेस, ये वाला शोल्डर प्रेस 10 रिपीटेशन, ठीक है फ्रंट के साथ साथ उसको थोड़ा बहुत पंप करते रहेंगे, जिससे कि हमारा ये सेपरेट होगा और ये हमारा राउंड दिखेगा थोड़ा, चलो 1 बहुत अच्छे, चलो 2 बहुत अच्छे, 3 बहुत अच्छे, चलो 4 5 6 7 8 9 10 11 एक और लास्ट है 12। अभी क्या करना है, थोड़ा सा तुमको बेंड होना है, थोड़ा सा तुमको बेंड होना है, जिस तरह से मतलब डेडली फॉर पोजिशन में आते हो, चेस्ट बाहर निकालना है, हिप्स को पीछे रखना है, इस तरह से पूरा पीछे लेके आना है, शोल्डर के पीछे वाले पार्ट पे, रियर डेल पे काम होगा तुम्हारा, सर सामने रख के, चलो 10 रिपीटेशन 10 नहीं नहीं हाथ को इसके सामने सामने लेके आना इस तरह से, बहुत अच्छे, नीचे झुको, नीचे जा, नीचे आओ सर सामने, चेस्ट बाहर, चेस्ट बाहर, बहुत अच्छे, चलो लगाओ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पांच बार और 5 4 3 2 4 3 3 3 चल 2 1 आ जाओ, पाइक पुशअप, पाइक पुशअप, पाइक पुशअप, जल्दी से पाइक पुशअप, जल्दी से पाइक पुशअप, 5 रिपीटेशन 5 रिपीटेशन सुपर स्लो, सुपर स्लो, स्लो स्लो, पूरा स्लो स्लो नीचे जाना, चलो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, बस 5 आओ और धीरे और स्लो और स्लो 4 अब बहुत अच्छे, नीचे 3 ऊपर 2 चलो 1 एक और एक एक और एक और लास्ट 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 एक और लास्ट 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 अब बहुत अच्छे, रिलैक्स, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे आओ, ईंट लो, थोड़ा बहुत कॉलर देख लो, कॉलर देख लो ऊपर करो, ये क्या हो गया, चलो कॉलर देख लो ऊपर करो, इस तरह से होल्ड रखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 बार इस तरह से लगाओ 10 9
तेजी में 8 7 6 5 4 पूरा नीचे लेके आओ, पूरा नीचे लेके आओ, पूरा ऊपर, चलो पूरा नीचे, पूरा ऊपर, बहुत अच्छे, 4 3 2 1 होल्ड, ऊपर 10 9 8 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 रिलैक्स, 5 बार और, चलो 5 4 3 3 2 2 1 चलो 5, चलो रिलैक्स, 5 4 3 2 1 छोड़ दो, रख दो, रख दो, आ जाओ सिंपल, कितना मिनट हुआ, आ जाओ सिंपल, शोल्डर टैप करेंगे अभी हम, सिंपल पुशअप्स करेंगे, शोल्डर टैप, हाथ सामने, बॉडी वेट एक एक शोल्डर पे, एक टाइम पे सारा बॉडी वेट डालेंगे हम, चलो लगाओ 10 रेपिटेशंस, चलो 10, बहुत अच्छे, 9 सर सामने, 8 7 6 5 4 3 2 5 4 3 चलो 2 1 लास्ट में 10 पाइप पुशअप लगाएंगे, सिर्फ ग्राउंड पे, ईंट पे नहीं, ग्राउंड पे रख के, लगो लाओ 10 रेपिटेशंस पाइप पुशअप्स, वर्कआउट खत्म करते हैं, बस हो गया, खत्म हो गया काम हमारा, उसके बाद शोल्डर देखना, 10 बहुत अच्छे, 9 बहुत अच्छे, 8 7 बहुत अच्छे, चलो 6 5 4 3 चलो 2 1 रिलैक्स, छोड़ दो, छोड़ दो। अब बताओ भाई, ये ईंट का वर्कआउट शोल्डर ट्रेन करना है तो किस तरह का पंप होगा, किस तरह का पंप होगा बताओ, अच्छे से जोर से बताओ, समझ में आएगा भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई क्या ही पंप हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं भाई को एक्सरसाइज बताए और इफेक्टिव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पंप हुआ देख सकते हैं, शोल्डर सिर्फ 2 ईंट के वेरिएशन इतना कुछ हुआ है भाई, आप भी करो घर पे वर्कआउट, नहीं होगा तो बताना, लो भाई तो शोल्डर का फ्लेक्स करके दिखा दो, 2-3 बार इसे करके फ्लेक्स करके दिखा दो, बहुत अच्छे, दूसरे साइड का कॉलर दिखा दो, कॉलर पूरा बाइसेप्स के साथ दिखा दो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पंप देख लिया आप लोगों ने, अभी ट्रस्ट हुआ कि भाई रिजल्ट मिलता है, पूरा पसीना पसीना थकान और रिजल्ट सारा कुछ, पंप भी आपको देखने को मिल गया, अब क्या प्रूफ चाहिए भाई, अब आप लोग परफॉर्म करो, आप लोग भी बेहतर बनो भाई, कोई क्वेश्चन है पूछना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और सेकंड साथ और नए टॉपिक से, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शोल्डर तगड़ा करना है ये वीडियो करो, काम आपका हो जाएगा भाई, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।